कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान। और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो जी, विल ईरान अटैक इसराइल, क्या ऐसा मुमकिन है? तो मुमकिन तो लगता है कि हो गया है, लेकिन चलिए रिजवान सर इसके बारे में क्या कहते हैं आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन प्रेस करना तो मत ही भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। एम्बेसी पर अटैक नहीं हुआ, तुम्हारे वहां पर इंटेलिजेंस ऑफिस पर अटैक हुआ, जहां बैठकर तुम इसराइल के खिलाफ अटैक्स को प्लान करते थे और मैनिपुलेट करते थे। इसराइल तो चाहता है तुम रिटेलिएट करो, तुम रिटेलिएट मत करना। लोग कहते हैं सर आप किसी को भी कुछ भी एडवाइस देने लगते हैं। भैया मेरा तो मंच ऐसा ही है, मैं तो सच बोलता हूं भैया, अटैक बिल्कुल ना करना। अजीब वो गरीब बात है कि रिजवान अहमद क्या बोल रहा है कि मुसलमान होने की वजह से मुझे इस पूरे इलाके को इसराइल बोला जाता है, क्योंकि कुरान शरीफ इस पूरे इलाके को इसराइल बोलता है। पैलेस्टीन बाद में आया। राइट टू मदरलैंड एंड राइट टू डिफेंड योर सेल्फ, इस पूरी दुनिया में दो ऐसी मान्यताएं हैं, अकीदे हैं, विश्वास हैं, आस्था है, जिनको ये दुनिया देने को तैयार नहीं है। दो मात्र ऐसी आस्थाएं हैं, एक है यहूदी। जब आप इनका राइट टू लाइफ छीनते रहे, ये आपकी जमीन छीनते रहे। और लोगों ने, हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री ऐसी लिखी कि जब आप इनका छीनने गए थे वो पन्ना फाड़ दिया, जब ये बदला लेने आपसे आए तो वो पन्ना पढ़ा दिया कि देखो इजरायलियों ने, यहूदियों ने कितने जुल्म किए हैं सब पर। अरे भाई, इजराइल ने क्या ईरान पर अटैक किया? नहीं किया। 6 महीने घुसे पड़े हैं उसके अंदर, घुसे पड़े हैं उसके अंदर। कभी हिजबुल्ला को प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हो, कभी हुतीस के दम पर प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हो, कभी लोगों को अगवा करवा रहे हो, कभी वहां पर कैनाल में शिप्स को डिस्ट्रॉय करवा रहे हो, पूरी वर्ल्ड इकॉनमी में डिस्टर्ब कर रहे हो, वहां रोज बम मारे जा रहे हो इसराइल के ऊपर, रोज बम मारे जा रहे हो इसराइल के ऊपर। तो राइट ऑफ डिफेंड ईरान का माना जाएगा या इसराइल का माना जाएगा? हाँ, तो साथियों बहुत दिन से मुझसे आप लोग कह रहे थे कि पहले आप वीडियो बनाते थे, आपने लगातार बहुत लंबी सीरीज चलाई थी ये इसराइल और गाजा की युद्ध पर, तो सर आजकल आप नहीं बना रहे हैं। यार इस मारे नहीं बना रहा था क्योंकि अपनी तारीफ करते हुए बार बार बुरा लगता है, क्योंकि हर चीज वैसी हो रही थी जैसा मैंने बताई है। तो मैंने कहा क्या अपनी वीडियो बनाऊं और अपनी तारीफ करूं, पर जब आप लोगों ने मुझे मजबूर सा कर दिया, जब ईरान भी मेला देखने के लिए दीवार से उतर आया, समझे क्या मतलब होता है मेला देखने के लिए दीवार से उतर आओ, तो फिर मैंने कहा आज आप लोगों को वीडियो बनाकर एक फिर से टोटल पिक्चर दे देता हूं इस पूरा जो घटनाक्रम हो रहा है, इसराइल, हमास, गाजा, ईरान, सीरिया, हुती, छोटे से वीडियो में पूरा एक आप लोगों को ड्रोन पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूं, ड्रोन व्यू से। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो साहब देखिए, हमास, गाजा, इसराइल में बिल्कुल वो हुआ, हूबहू मजबूरी में मेरे मुंह से मेरी तारीफ के शब्द निकल जाते हैं जैसा आपके भाई ने बोला था। अब 6 महीने में जितने भी नए लोग जुड़े हों उनको तो पता ही नहीं होगा कि मैंने बोला क्या था। 1 महीने में मैंने लगभग 30 वीडियो बनाए थे हमास इसराइल वॉर पर, और मैंने बिल्कुल आप लोगों को बताया होगा, जो पुराने साथी थे, मैंने कहा भैया इसराइल नहीं रुकेगा, इसराइल नहीं रुकेगा। वही हुआ, रुका। ये प्रेशर, वो प्रेशर, वो प्रेशर, कुल मिला के जो लेटेस्ट आंकड़े हैं, फॉलो तो मैं इस न्यूज को कर ही रहा था, 550 इसराइली सोल्जर्स अभी तक 500 के आसपास मारे गए। मेरा फिगर था 1000 से 1200 का बाय द एंड ऑफ द वॉर। गाजा को लेके मेरा फिगर गलत हुआ, मुझे ये आइडिया था ये लगभग 15,000 तो ताबड़तोड़ मारेंगे, उसके बाद ये थोड़ा सा बैलेंस आउट करेगा, एक प्लेटू पर पहुंचेगा, और लगभग 25,000 पर जाके ये फाइनली रुक जाएगा, जो रुकता नहीं लग रहा। 35,000 ढेर कर दिए, 35,000, और 9,000 गायब हैं। अब आप पूछेंगे कि भाई इतने से गाजा स्ट्रिप में गायब से क्या मतलब होता है, गायब कहां हो गए भाई,
क्या इसराइल सोल्जर उन्हें पकड़ के ले गए या मेडिटेरियन सी में जाके डूब गए? नहीं, कुछ तो ऐसे गायब माने जा रहे हैं कि पता ही नहीं था कि वो उस बिल्डिंग में, और वो बिल्डिंग बॉम्ब कर दी गई, उनकी बॉडी रिकवरी नहीं हो पाई, वो अंदर ही सड़ खपके खत्म हो गए। कुछ ऐसे गायब माने जा रहे हैं कि जिनके पास मिसाइल या बॉम्ब इतनी पास गिरा कि उसके ब्लास्ट से वो फना हो गए, हवा हो गए, यानी उनकी बॉडी का जो बोलते हैं कि टुकड़े टुकड़े भी रिकवर नहीं हुए, तो उनको माना जा रहा है कि वो मिसिंग है। तो 42,000 गए, मेरा आंकड़ा यहां 25 का था, याद होगा आप लोगों को, मैं बताता था 15 तो ये ताबड़तोड़ मारेंगे, पर ये मैंने बोला था कि अगर इसराइल रुक गया तो इसराइल विल बिकम द डोरमैट ऑफ द मिडिल ईस्ट, जो चाहेगा इनको मारेगा, चाहे लेबनान से हिजबुल्ला मारेगा, चाहे हूती मारेंगे, चाहे ईरान मारेगा, जो चाहेगा इनको मारेगा। मैंने बार बार कहा था आपने कि नहीं रुकेंगे। तो भैया, और मैंने एक दूसरी बात भी बोली थी, ये मैंने आप लोगों को बोली थी कि अपनी लड़ाई लड़ने के लिए जब भी इसराइल पर अटैक हुआ है उसने मौके का फायदा उठाया है, और उसने मौके का फायदा उठा के और जमीन हड़प ली है। हाँ, और जमीन हड़प ली है। अब मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, हड़प ली है। 1947-48 में जो ओरिजिनल लैंड इसराइल था, ये जो पूरा लैंड है, मैं इसको इसराइल बोलता हूं पूरे को, पैलेस्टीन शब्द बाद में रोमन्स ने दिया। इसराइल हिस्टोरियन की नजरिए से, कमेंटेटर के नजरिए से, और मुसलमान होने की नजरिए से, भाई साहब विरोधाभास देखिए, अजीब और गरीब बात है कि रिजवान अहमद क्या बोल रहा है कि मुसलमान होने की वजह से मुझे इस पूरे इलाके को इसराइल बोला जाता है, क्योंकि कुरान शरीफ इस पूरे इलाके को इसराइल बोलता है। पैलेस्टीन बाद में आया, ठीक। तो ये जो पूरा इलाका था 1947 में, लगभग 55% बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद कि यहां पर एक ज्यूइश स्टेट बनाया जाएगा, लगभग 55%, थोड़ा ज्यादा यहूदियों को दिया गया, और 45% लगभग मुस्लिम्स को दिया गया, यानी अब आप नए नाम के हिसाब से समझिए पैलेस्टीनियंस को दिया गया। इसराइल को दो हिस्सों में काटा गया जिससे पैलेस्टीन निकाला गया। यह है हकीकत, हिस्टोरिकल हकीकत और रिलीजियस हकीकत। और रिलीजन कौन सा, मजहब कौन सा, इस्लाम और मुसलमान के हिसाब से इसराइल को काट के पहले इसराइल को पैलेस्टीन बनाया गया, फिर इसराइल को काट के पैलेस्टीन, इसराइल से पैलेस्टीन आधा निकाला गया 1947 में। ये है फैक्चुअल हिस्ट्री, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आप लोगों को ताज्जुब होगा जिन्होंने उस टाइम के मेरे वीडियोज नहीं देखे, स्क्रोल करके 7 अक्टूबर के बाद के मेरे वीडियोज देखिएगा, पूरी मैंने हिस्ट्री बताई थी जगह की, 3000 ईयर ओल्ड हिस्ट्री। तो भैया उनको आधा पैलेस्टीन हुआ कि लगभग 45 में मुस्लिम रहेंगे और 55 में यहूदी रहेंगे। अब ये सवाल उठता है कि भाई 55% में यहूदी क्यों रहेंगे, वो तो वहां पर उस टाइम में कम थे। वो इस मारे हुआ क्योंकि फिर ये प्लान था कि यूरोप से और जगहों से यहूदी माइग्रेट करके यहां पर आएंगे, तो इस हिसाब से उनके लिए एक स्पेस क्रिएट कर उनको दी गई। अब जो बात आती है राइट टू मदरलैंड एंड राइट टू डिफेंड योरसेल्फ, राइट टू मदरलैंड एंड राइट टू डिफेंड योरसेल्फ, इस पूरी दुनिया में दो ऐसी मान्यताएं हैं, अकीदे हैं, विश्वास हैं, आस्था है, जिनको ये दुनिया देने को तैयार नहीं है। दो मात्र ऐसी आस्थाएं हैं, एक है यहूदी और दूसरा है सनातनी। इसके अलावा इस दुनिया में हर आदमी के पास राइट टू डिफेंड है और राइट टू स्टेटहुड है और राइट टू नेशन है, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो मुस्लिम्स हों, चाहे वो बुद्धिस्ट हों। सिर्फ यहूदियों को और सनातनियों को इस पूरी दुनिया में चैन से जीने का अधिकार नहीं मिला, चाहे लीग ऑफ नेशंस के बाद, चाहे यूनाइटेड नेशंस के बाद, और चाहे आज तक। बड़ी जिम्मेदारी से बात बोलता हूं मैं। तो भैया 47 में आप चढ़ बैठे उनके ऊपर जिनको वहां पर लाके बसाया गया था, जो इस्लामी नजरिए से भी उनकी जमीन थी, पाक मुकद्दस जमीन थी, जिनको लाके पूरा मैंने इस पर बनाया, आप देखिएगा पुराने वीडियो रिकॉर्ड करके, आपको मारा आपने और घेर लिया। भाई यहूदी तो बड़े माशाल्लाह
बड़े रिजिलियंट कॉम है भाई, बड़े लड़ने वाले, और बड़ा अच्छा इनका कॉम्बिनेशन है, लड़ने वाले और पढ़ने वाले। तो भैया इन लोगों ने 1947 में और जगह ले ली, आपने इनको राइट ऑफ स्टेटहुड दिया नहीं। फिर 1967 में आप सारा मिडिल ईस्ट इनके अंदर घुस गया 7 डे वॉर में, जब ये अपना सेलिब्रेशन फेस्टिविटी बना रहे थे, फिर इन लोगों ने और जगह ले ली, फिर आपने इनको राइट ऑफ स्टेटहुड नहीं दिया। फिर 1972 में म्यूनिक में जाके आपने इनके 11 खिलाड़ी मार दिए, म्यूनिक में जाके, डिस्कवरी पर देखिएगा बुक्स लिखी गई हैं उस पर 1972 पर, म्यूनिक मैच ओलंपिक के मैच कर पर। फिर 1973 में यंग पर वॉर, उसमें आपने इनके आदमी मारे, फिर आपने इन पर अटैक किया, फिर आपने 7 अक्टूबर को अटैक किया, बीच में और अटैक किए, और जब आप इन पर अटैक करते रहे, जब आप इनका राइट टू लाइफ छीनते रहे, ये आपकी जमीन छीनते रहे, और लोगों ने, हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री ऐसी लिखी कि जब आप इनका छीनने गए थे वो पन्ना फाड़ दिया, जब ये बदला लेने आपसे आए तो वो पन्ना पढ़ा दिया कि देखो इजरायलियों ने, यहूदियों ने कितने जुल्म किए हैं सब पर। यानी हिस्ट्री की बुक मिडिल ईस्ट और इजराइल को लेकर, मेरे हिंदू भाइयों, अरे यार अगर हम हिंदुस्तान में कहते हैं कि हिस्ट्री गलत लिखी गई, ये लिखी गई, कुछ चीज कम बताई गई, कुछ चीज ज्यादा बताई गई, ये आप बोलते हो ना, पर ये है, हाँ कुछ तो बताया गया, जैसे शिवाजी महाराज के बारे में बताया गया, राणा प्रताप जी के बारे में बताया गया, राणा सांगा जी के बारे में बताया गया, माने कुछ बताया गया, कुछ कुछ नहीं बताया गया या कम बताया गया। अरे यार वहां जाके देखो बेचारे गरीब इसराइलियों के साथ, यहूदियों के, इनके तो 20 से पन्ने ही फाड़ दिए, कि नहीं ये नहीं पढ़ाएंगे, ये नहीं पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, नहीं नहीं ये सूट नहीं कर रहा, ये नहीं पढ़ाएंगे। अब तो इन्होंने जब 7 अक्टूबर के बाद ये घुसे, तो मैंने एक बात और बोली थी, ये फिर और इलाका घेर लेंगे, और घेर लिया, फिर से गाजा का इलाका घेर लिया, सबको मारते 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 समेट के दक्षिण ले गए। अब दक्षिण से विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं हमारा काम खत्म हो गया, अस्पतालों में घुस घुस के मारा है, 35,000 टपका दिए, क्या कर लिया, रीले बनाई ना, वो पेप्सी फेंक रहे हो और पेप्सी पीट रहे हो टोपियां लगा के, और वो कोई गाना बजता रहता था कुछ अजीब सा, कोई अरबिक सॉन्ग है पैलेस्टीन को लेके, बस रीले बनाई। रमजान तक में इसराइल नहीं रुका, मैंने कहा था नहीं रुकेगा, पूरे रमजान फिर मुसलमान इसराइल को भूल गए, वो और बातों में बेचारे खुश हो जाते हैं, वो मणिपुर से खुश हो जाते हैं, वो बाबा रामदेव को फटकार पड़ जाए तो वो खुश हो जाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड में बीजेपी का नाम आ जाए, चंदा आ जाए तो वो इसी से खुश हो जाते हैं, वो बेचारे ध्रुव राठी का वीडियो देख के ही खुश हो जाते हैं, वो बेचारे रवीश का ही वीडियो देख के खुश हो जाते हैं, वो बेचारे भूल ही गए कि गाजा में ठुकाई और कुटाई अभी तक चल रही है, जैसा रिजवान अहमद ने बोला था। अब 1400 लोग जो घुस के यहूदी मारे गए, ये नहीं ज्यादा हिस्ट्री में बताया जाएगा, ना ना ना, जो पलट के इसने 45,000 कूट दिए, ये आप हर जगह देख लो, अभी भी ईद में झंडे लिए घूम रहे हैं, हैं अजीब सा ईमान है। ये लोग अगर जज बन जाएं तो ये लोग करेंगे क्या, अजीब गरीब फैसले सुनाएंगे, क्योंकि पूरी फाइल ये पढ़ेंगे नहीं, अपनी मर्जी के पन्ने निकाल के डस्टबिन में डाल देंगे और अपनी मर्जी के पन्ने पढ़ के पता नहीं किसको सजा सुना देंगे। अब आओ ईरान पर। अब ईरान का जब मैंने ये न्यूज़ फॉलो करी कि कॉन्सुलेट पर अटैक हुआ है, पहले तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बता दूं, ये अटैक सीरिया में ईरान के कॉन्सुलेट पर, एम्बेसी पर नहीं हुआ है जी। जितना भी मीडिया आपको बता रहा है, ये टेक्निकली सुपरफिशियल चीजें बता रहा है। जो ईरानियन एम्बेसी कॉन्सुलेट डेमस्कस में था, उसके एडजॉइनिंग एक इनके रेवोल्यूशनरी गार्ड, जो कुड्स इनकी फोर्सेस कहलाती हैं, उसका वहां पर एक सीरिया का हेडक्वार्टर था, एडजॉइनिंग मिला हुआ, जहां से साजिश की जाती थी किसके खिलाफ, यहूदी और इसराइलों के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। उसको अटैक किया है इसराइल ने, कॉन्सुलेट को, एम्बेसी को अटैक नहीं किया है। अब फायर इनग्लव हो गई और वो बगल की कुछ पोर्शन जल गए हो, वो अलग बात है। जितने भी आर्मी के लोग वहां पे ईरान के मरे हैं, वो जो टॉप 4 जनरल मरे हैं, वो सारे ईरान इंटेलिजेंस एजेंसी के थे। अबे कर क्या रहे थे तुम वहां, तो वहां कौन सी फपूंद फैला रहे थे और क्या गंद फैला रहे थे, तुम्हारे जनरल एम्बेसी के बगल में क्या कर रहे थे। तो पहले तो ये फैक्ट समझ लीजिए, इसराइल ऑल्सो हैज अ राइट टू डिफेंड इटसेल्फ। इसराइल को अधिकार है, जो 1947 नहीं, उससे पहले तो 1929 में हिब्रून मैस्कर हुआ था, जब बेलफोर डिक्लेरेशन हुआ था कि यहां पे इसराइली स्टेट बनाया जाएगा,
तो इस इज़राइल के इलाके में जिसको बाद में पैलेस्टीन लोग पैलेस्टीनियन एरिया बोलने लगे थे, वहां पर घर घर में घुस के इन लोगों को मारा था और इनकी महिलाओं के बलात्कार किए थे। हेब्रिन मैस्कर 1929 देखिएगा पढ़ के, है? तो उनको राइट ऑफ डिफेंड नहीं है। अब आ रहा है कि साहब राइट ऑफ डिफेंड, ईरान को राइट ऑफ डिफेंड है, ईरान अटैक कर सकता है। अबे जो दीवार पर बैठ के इतने दिन से मेला देख रहे थे और मौज ले रहे थे, तो भैया इसराइल ने अपनी गुलेल उठाई और ठांस दिया तुमको। अब कह रहे हो मुझे राइट ऑफ डिफेंड है। अबे मेला तो तुम देख रहे थे ना दीवार पर चढ़कर, मिडिल ईस्ट का, वहां से पत्थर तो तुम चला रहे थे ना, खोपड़ी पे ईटा लगा तो दिमाग ठीक हो गए तुम्हारे। तो भैया ईरान जो लोग कह रहे हैं ईरान हैज अ राइट ऑफ टू डिफेंड इट सेल्फ, ये 6 महीने से ईरान कर क्या रहा था इसराइल के साथ? क्या इसराइल ने ईरान पर अटैक किया? अरे अटैक तो आइसिस ने किया अटैक तो इसराइल के फ्यूनरल में, जनरल के फ्यूनरल में आइसिस ने किया। अटैक तो ईरान ने पाकिस्तान पर किया। अटैक तो पाकिस्तान ने ईरान पर अटैक किया एक्सट्रीमिस्ट को मारने के लिए, टेररिस्ट को। अरे भाई इसराइल ने क्या ईरान पर अटैक किया? नहीं किया। 6 महीने घुसे पड़े हो उसके अंदर, घुसे पड़े हो उसके अंदर। कभी हिजबुल्ला को प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हो, कभी हुतीस के दम पर प्रॉक्सी वॉर लड़ रहे हो, कभी लोगों को अगवा करवा रहे हो, कभी वहां पर कैनाल में शिप्स को डिस्ट्रॉय करवा रहे हो, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में डिस्टर्ब कर रहे हो, वहां रोज बम मारे जा रहे हो इसराइल के ऊपर, रोज बम मारे जा रहे हो इसराइल के ऊपर। तो राइट ऑफ डिफेंड ईरान का माना जाएगा या इसराइल का माना जाएगा? है? उसका 1400 लोग मार के मैस्कर कर दिए, उसको राइट ऑफ डिफेंड नहीं है। तुम प्रॉक्सी वॉर लड़ते रहो तो इसराइल को राइट ऑफ डिफेंड नहीं है। उसने कहा बेटा प्रॉक्सी वॉर लड़ लिया, मार रहा हूं तुझे, दाएं से मारा, उड़ा दिया। तो भैया अगर तुमको राइट ऑफ डिफेंड है तो तुमसे पहले इसराइल को राइट ऑफ डिफेंड है, क्योंकि छेड़खानी तुम कर रहे थे वहां 6 महीने से। अब लोग हिस्ट्री से यह चैप्टर फाड़ देंगे, हिजबुल्ला का सपोर्ट करना, हुतीस का सपोर्ट करना, कहेंगे नहीं नहीं ये फाड़ो, मातम करते हुए हम ये नहीं बोल सकते। अब ये बताओ कि साहब इसराइल की एम्बेसी पर, ईरान की एम्बेसी पर अटैक हुआ सीरिया में? एम्बेसी पर अटैक नहीं हुआ। तुम्हारे वहां पर इंटेलिजेंस ऑफिस पर अटैक हुआ, जहां बैठकर तुम इसराइल के खिलाफ अटैक्स को प्लान करते थे और मैनिपुलेट करते थे और ट्रिगर करते थे हिजबुल्ला और हुतीस के साथ मिलके। ये है हकीकत इस अटैक की, जो 99% मीडिया गलत बता रहा है, काउंसलेट अटैक। अभी जनरल क्या कर रहा था काउंसलेट अटैक? अब सुनो, अब ये हो रहा है। मैंने तब भी बोला था कि कोई बीच में नहीं बोलेगा, ये प्रॉक्सी करेंगे। अब लड़ लो ना, अब लड़ लो, मां का दूध पिया है तो लड़ लो, कर दो अटैक। भाषणबाजी करे जा रहे हो, अटैक कर देंगे, कर दो। बेटा बीच में पूरा इराक आता है, ठीक है, बीच से सऊदी की भी एयर स्पेस निकलती है। तुम बेटा पहुंचो पहले इसराइल तक, कैसे पहुंचोगे तुम तय कर लो। तुम नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो तुम तक जब चाहे पहुंच सकता है। और क्या सोच रहे हो, इसराइल ने अटैक किया, उसको ये पता ही नहीं था कि तुम रिटेलिएट करोगे? अब इसराइल तो चाहता है तुम रिटेलिएट करो, तुम रिटेलिएट मत करना। लोग कहते हैं सर आप किसी को भी कुछ भी एडवाइस देने लगते हैं, भैया मेरा तो मन ऐसे ही है, मैं तो सच बोलता हूं, भैया अटैक बिल्कुल ना करना। उनके पास तो आयरन डोम है, अपनी मेहनत का, अपनी अकल का, अपने जज्बे का, अपनी पॉजिटिविटी का, उनके पास तो आयरन डोम है। अबे सूतिए तुम 100 मारोगे तो वहां पर जाके 6 गिरेंगे, 94 वो हवाई में ढा देंगे, लेकिन जब वो 100 मारेंगे ना तो तुम्हारे ऊपर पूरे 100 आके लगेंगे, है ना, तेहरान की तुम्हारी कहानी लिख देंगे, खंडर बना देंगे तेहरान को 1 महीने के अंदर। उनका फायर पावर का तुमको अंदाजा तो है, तभी तो तुम्हारी पटी पड़ी है, तभी तो तुम रिटेलिएट नहीं कर रहे हो, है ना। तो ये है पूरा घटनाक्रम। इसराइल को पता था जब इन पर अटैक करेंगे रिटेलिएशन हो सकता है, यहूदी तैयार बैठे हैं, तुम करो। अब उनका गाजा से लगभग काम खत्म हो गया है, 26,000 से 30,000 लड़ाके मार गिराए, लाशों को दफनाने वाला नहीं है, ये हमास के काले कपड़े पहने घूमते रहते हैं। अब कहीं से एक छोटा सा रॉकेट फेंक देंगे, फिर कहेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं है यार, मानो इसको, नहीं है, उसी की तो लानत है जो कौम का ये हाल है। ठीक, तो ईरान वीरान का कुछ नहीं होने जा रहा, अगर 2-4 बम इधर उधर से मार दिए इसराइल पे, तो तुम पहले ही मार रहे हो, हुतीज मार रहे हैं, हिजबुल्ला मार रहे हैं, क्या उखाड़ लिया उसका? तुम भी 2-4 मार के देख लो, वो आयरन डोम से रोक लेंगे, लेकिन जो पलट वार करेंगे वो 1 महीने में ईरान को निस्तेनाबूद कर देंगे, 1 महीने में।
तुम्हारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को निस्तेनाबूद कर देंगे, तुम्हारी पेट्रोलियम फैसिलिटीज़ को निस्तेनाबूद कर देंगे। माँ का दूध पिया है तो रिटेलिएट करके दिखाओ। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफ़िज़। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था रिजवान सर का, इसराइल और गजा की जो वार है, वो जो चल रही है, उस पर बहुत देर बाद, दिनों बाद वीडियो बनाया इन्होंने। और ताज़ा जो रिपोर्ट्स यही हैं कि ये मामला रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और हम भी कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि अब मामला एंड की तरफ बढ़ रहा है, ये रुक जाएगा। बहुत सारा इलाका जो गजा का है वो तबाह कर दिया इसराइल ने, और अब वो उस पर कब्जा कर लेगा, जो फलस्तीनी अपना समूह लेकर बैठ जाएंगे, जो भी उनके पास बाकी सब बचेगा, और बाकी सारी जो दुनिया है, जो मुसलमान वर्ल्ड है, उनके लिए दुआएं करता रहेगा और ये सिलसिला यहाँ पे एंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता अब दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कभी हिजबुल्ला की तरफ से अटैक होता है, कभी कहीं से अटैक हो रहा है, कभी कहीं से, क्या चार पांच फुलझड़ियां से मार देते हैं उन पे, और आगे से वो मारते हैं इनको रख के मिसाइल, तो फिर रोते हैं। अब यही दमिश्क में जो इन्होंने मारा है ईरान को, चाहे उनका कोई कॉन्सुलेट पे मार दिया या कहीं पे मार दिया, लेकिन इनके लोगों को उन्होंने मारा। और फिर ईरान ने कहा कि पहले भी काम बदला लेंगे, लेकिन लेते हुए थे नहीं थे। अब इन्होंने बदला के लिए, इन्होंने रात को सुनने में आया है कि इन्होंने एक अटैक कर दिया है इसराइल पे, और कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों से, कुछ ड्रोन से, कुछ कहीं से, और उनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको भी हैक करने की कोशिश की, लेकिन एक हमला इन्होंने कर दिया। अब ये जो जंग है, जो बड़े तजियाकार हैं वो कहने में आ रहा है कि ये वर्ल्ड वॉर 3 जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, और ये यहाँ से ही होगी, और इसका जिम्मेदार बताया जा रहा है ईरान को। देखिए, ये जो वार शुरू हुई और जब ये अटैक हुआ, उसके पीछे भी कहा गया, जब फलस्तीन वालों ने, हमास वालों ने अटैक किया था, इसके पीछे रशिया है, इसके पीछे ईरान है, इसके पीछे चाइना है, ये जो कॉरिडोर बन रहा है इसको रोकने की कोशिश है, या ऐसी ऐसी बातें करी गई। लेकिन आज देखिए कि इसराइल ने पूरे का पूरा तबाह कर दिया गजा को और फलस्तीनियों को, और उसके बाद भी अभी भी वो रुक नहीं रहा। अब ये भी कौन सा डिफेंस का उनका हक है कि अपनी वतन को डिफेंस करने के चक्कर में दूसरे का वतन बिल्कुल ही उजाड़ दो। ठीक है, बेगुनाहों को मारा गया और बहुत बड़ी तादाद में मारा गया, ये इस पर अब किसी को नजर नहीं आया। लेकिन अब ये जो ईरान ने अटैक कर दिया है इसराइल पे, लेकिन ये सबको लगेगा कि ये जंग की शुरुआत कर दी है जी ईरान। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी जो मुस्लिम ममालिक हैं खास करके, वो उनका एका नहीं होगा, वो कभी भी मुतहद नहीं होंगे, लेकिन इसराइल, अमेरिका और जो नेटो ममालिक हैं वो सब मिलकर फिर ईरान पर चढ़ दौड़ेंगे। लेकिन ये अब कहाँ जाता है मामला, ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के टाइम पे अगर हमास या फलस्तीन के पास इतनी कुव्वत नहीं है उनके साथ लड़ने की, तो उन पर अटैक किसी तरीके का बनता ही नहीं था। ये मामला जो दो कौमी नज़रिया या टू नेशन थ्योरी जो है उसी के मुताबिक हल होना चाहिए था, और आखिरकार भी ये जो मामला जब भी रुकेगा उसी पर ही रुकेगा। इसराइल को भी तस्लीम किया जाएगा मुसलमान ममालिक के द्वारा, फलस्तीन को भी तस्लीम किया जाएगा, फिर ये कहीं जाके इस जंग का, चाहे ये आज रोक दें, चाहे ये 1947 में रोक दिया जाता, या कहीं ये आगे जाके रुक गए, आखिरकार ये मामला इसी बात और इसी चीज पे ही रुकेगा कि इसराइल को भी तस्लीम किया जाएगा और फलस्तीन को भी, उसका जो भी बचा खुचा बचेगा, पता नहीं अब ये क्या बचता भी है या नहीं बचता, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन ये अब शुरुआत हो चुकी है, ये मामला अब और मुश्किल होने वाला है। बिल्कुल ऐसी है, और जो तारीख के बारे में, हिस्ट्री के बारे में वो बता रहे थे कि भाई जो चीज हमारे तारीख दानों को मुनासिब लगी उन्होंने वही तारीख में लिखी, और जो जो इन्होंने जो जो कुछ किया वो पन्नों से फाड़ दिया। और ये जो चीज है, ये इसराइल का और फलस्तीन का जो चल रहा है, लेकिन ये अगर पहले स्टार्टिंग में ये लग रहा था कि वो अपने डिफेंस के लिए ये सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन इतने बेगुनाहों को अपने डिफेंस में ही मार देना, इतने बेगुनाहों के घर उजाड़ देना, और फिर कहना कि हम अपने लोगों को डिफेंस कर रहे हैं, तो ये डिफेंस नहीं है, ये तानाशाही है, ये जोर जबरदस्ती से उनके इलाके को जो है वो अपने कब्जे में लेने की जो प्लानिंग है वो ये। देखें, अगर हमास ने अटैक किया तो उनका हक बनता था कि हमास के अड्डों को जो है उनको अटैक करती, जहां जहां पे उनके लीडर बैठे हुए हैं
उन ममालिक से उनके लीडर को ला के जो है उनको इबरत का निशान बनाते, ना कि बेगुनाहों को बनाते। अभी भी ये सिलसिला जो है अभी रुक नहीं रहा। और ईरान ने अगर अटैक किया तो वो कौन सा उसने इतना बड़ा अटैक कर दिया, वो कल को छोटे छोटे से उन्हें रॉकेट मारे होंगे, उधर से मिसाइल अब आने की उम्मीद होगी कि वो मुंतजर होगा भी अब उधर से मिसाइल आएगा फिर हमें कोई उसका रिएक्ट करेंगे। लेकिन अटैक करता तो पता चलता कि भाई वहां पे अटैक किया है इन्होंने। लेकिन ऐसे फुलझड़ियां मारने से जो अटैक नहीं होता ये तो वो बात हो जाती है कि आप एल मुझे मार, और ये देखो आगे मामला किस तरफ ये चलता है। बिल्कुल जी, देखिए क्या मामला जो है ना वो अब खत्म होने की संजीदगी ज्यादा संजीदगी खत्म होने की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब फिर से ईरान जो है ना बीच में कूद पड़ा है और फिर ये मामला आगे की तरफ पूर पकड़ रहे हैं। और चीज ये है कि देखिए कि डिफेंस हर बंदे को चाहिए होता है कि वो डिफेंस अपना करता है, लेकिन इस तरीके से नहीं करता, नहीं करता। जिस तरह से इसराइल ने तबाही मचाई है वहां पे बेगुनाह लोगों को जो है ना मारा गया है। अब चीज देखिए कि इसराइल के पास जितना था 1947 में, अगर वो वहां तक अपने आप को रखता तो फिर वो उसके ऊपर बात ना होती। लेकिन आज देखिए कि वहां पे आपको जो है ना यहूदी जो है ना नजर आते हैं, लेकिन मुसलमान जो है ना वो इलाका वो बहुत ही कम नजर आता है। जैसे कि आप मिसाल ले लें पाकिस्तान की कि 1947 में यहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत थी, लेकिन आज देखिए कि हिंदू बहुत ही कम नजर आते हैं यहाँ पे। तो यही सारी चीजें हैं। तो अब इसके ऊपर देखिए कि हिंदू जो है वो अपने डिफेंस के लिए या अपने दिफा के लिए कुछ कर रहे हैं, ये नहीं होता तो फिर वो हिजरत कर रहे हैं, वो यहाँ से जा रहे हैं। तो इसी तरह से वहां पे भी हो रहा है, लेकिन इसराइल को चाहिए वो अपना दिफा करे। हर एक को अपने दिफा का हक हासिल है, लेकिन किसी बेगुनाह, आप देखिए जो गुनाहगार हैं जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया है, मिसाल के तौर पर हमास है, उसका नामो निशान मिटा देते, हम उसके ऊपर कभी बात नहीं करते। लेकिन उसके नाम के ऊपर जो है ना आप देखिए बहुत से बेगुनाह औरतें बच्चे और बूढ़े जो है ना उनको भी उन्होंने जो है ना खत्म कर दिया है। और ये तो आप 42,000 बता रहे हैं, ये 50,000 से ऊपर जो है आंकड़े जा चुके हैं, और अभी आगे और बहुत सारे होंगे, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लाशें हैं जो मलबे से मिली नहीं है। मलबों के जो बिल्डिंगें थी 5-5, 10-10 मंजिला, वो सब आज मलबे का ढेर बन चुके हैं। तो यही सारी चीजें हैं। और इसमें देखिए कि कहीं ना कहीं इसराइल का भी अगर देखा जाए तो ज्यादती नजर आती है कि अब वो अपने दिफास के ऊपर, अब मैं शुरू से मेरा मौकफ यही रहा है, हम यहाँ से फुलझड़ियां मारते हैं, उनको मौका देते हैं और वो यहाँ पे और लैंड जो है ना वो कब्जा लेते हैं और फिर उसको भी अपना हिस्सा बना लेते हैं। तो यही मैंने शुरू से जब ये बात शुरू हुई थी तब से मैं यही कह रहा हूँ कि जब ये खत्म होना शुरू हो जाएगी फिर कहीं ना कहीं से, अब देखिए कि जब वो मार रहे थे तब तो ईरान कहीं पे भी नजर नहीं आया कि हाँ अभी हम आगे हमला करते हैं जी, अब वो तब अटैक क्यों नहीं किया गया। अब जब वो सारा कुछ करके आप वापसी का रास्ता देख रहे थे कि भाई आप इतने हमने मार दिए या जो है ना कुछ साल जो है ना सुकून से गुजर जाएंगे, लेकिन अब फिर से जो है ना ईरान बीच में कूद पड़ा है। अब देखिए कि ये वर्ल्ड वार, देखिए ईरान अब भी अगर ना कूदे उसके बंदों पे अटैक किया गया है, ये ईरान भी हक रखता है अपने दिफा के लिए। अगर ये जंग बढ़ती है तो दो जो हम पल्ला ममालिक हैं ईरान और इसराइल इनके बैक, लेकिन अगर उसके बैक पे अमेरिका आकर ईरान पर अटैक करता है तो फिर ईरान में भी एक बहुत बड़ी तबाही मचेगी और फिर वो देखने लायक होगी। फिर उसके पे भी लोग रिले बनाएंगे, फिर उस पर भी लोग बाइकआउट करेंगे पेप्सी का और KFC का इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं। आई होप सो ये वीडियो अच्छा लगे आपको, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।